अस्सलाम वालेकुम, आज हम जनरल एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 3 बोन्स एंड कार्टिलेज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले स्केलेटन के बारे में उन्होंने थोड़ा सा उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि स्केलेटन जो है एक हार्ड और सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का, और इसके अंदर मेनली हमारे पास बोन्स और कार्टिलेज वगैरह प्रेजेंट होते हैं। बोन्स क्या होती हैं? हार्ड और मिनरलाइज टिश्यूज की बनी होती हैं, और जो कार्टिलेज होता है वो सेमी रिजिड होता है और नॉन मिनरलाइज होता है। नेक्स्ट, स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास हेड, नेक और ट्रंक आ जाते हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास बोन्स और लिम्स आ जाती हैं, अपर लोअर लिम। नेक्स्ट है बोन्स। बोन्स के लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि लेटिन में इसके लिए वर्ड ओस यूज़ होता है और ग्रीक में ऑस्टियो। सो बोन्स के लिए हम जो टर्म्स यूज़ करते हैं लाइक ऑसियस टिश्यूज, ऑसिफिकेशन, ऑस्टियोसाइट्स यानी बोन्स के सेल्स, ऑसिफिकेशन बोन की जनरेशन या ऑस्टियोजेनेसिस उसी को बोलते हैं, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट, बोन्स के बारे में पढ़ते हैं कि बोन्स कंपोज होते हैं ऑसियस टिश्यू से, इसके अलावा इनके अंदर ऑस्टियोसाइट्स होते हैं यानी कि बोन्स के सेल्स, और इसके अलावा मैट्रिक्स ऑफ बोन प्रेजेंट होती है। अब मैट्रिक्स भी नेक्स्ट बनी होती है कोलेजन फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंसेस में। ग्राउंड सब्सटेंसेस में हमारे पास साल्ट्स वगैरह रहते हैं, और उनमें मेनली हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं, और ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये बोन्स को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, और जो ग्राउंड सब्सटेंसेस यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट साल्ट्स वगैरह हैं ये बोन्स को हार्डनेस देते हैं। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ बोन्स हैं। तो फंक्शंस में मैकेनिकल फंक्शन भी हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन में। मैकेनिकल फंक्शन में क्या है कि ये बॉडी का एक स्ट्रक्चर बनाती है और बॉडी को सपोर्ट करती है। इसके अलावा बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, ब्रेन को करती है। इसके अलावा जो बॉडी के अंदर मसल्स को अटैच कर मसल्स को साइट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, और इसके थ्रू भी बॉडी के अंदर मूवमेंट पैदा होती है। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी हैं, यानी कि ये मेन स्टोर हाउस है इन कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम साल्ट्स का। सबसे ज़्यादा कैल्शियम साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, देन फॉस्फेट साल्ट्स और देन मैग्नीशियम साल्ट्स। इसके अलावा जो बोन मैरो है उसके अंदर ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन भी हो रही होती है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बोन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। और अगर माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो इसकी दो टाइप्स होती है, कम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन। कम्पैक्ट बोन नाम से जाहिर है कि ये हार्ड होगी और डेंस होगी। इसके अंदर सिलेंडर्स ऑफ कैल्सिफाइड बोन्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है हेवेशियन सिस्टम या ऑस्टियोन्स। इसके अलावा सेंटर में एक लॉन्गिट्यूडनल चैनल होता है जिसको हेवेशियन कैनाल कहते हैं, और उसी चैनल के अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स वगैरह पास कर रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ जाहिर हो रही है कि ये बोन्स को आपने डेड मटीरियल नहीं समझा। बोन्स आर वेरी मच लिविंग मटीरियल, बिकॉज उनमें से आपको पता है कि ये नर्व्स वगैरह पास कर रही हैं, और इसके अलावा उनके अंदर पेन रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं, और इसके अलावा वो रीजनरेट भी हो सकती हैं। और ये जो कम्पैक्ट बोन है ये डायाफाइसिस में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा नेक्स्ट स्पंजी बोन आ जाती है। स्पंजी बोन में इरेगुलर मेशवर्क प्रेजेंट होता है, लाइक सीव लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, और इसका अदर नेम कैंसिलियस बोन होता है। इसके अलावा इसको ट्रेबिक्यूलर बोन भी बोला जाता है, और अक्सर बोन्स में ये होता है कि कम्पैक्ट बोन स्पंजी बोन को सराउंड करती है। इसके अलावा स्पंजी बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। कि स्पंजी बोन के डायग्राम है जिसमें एपिफाइसिस में इरेगुलर मेशवर्क प्रेजेंट है। नेक्स्ट डायग्राम में देखें, डायाफाइसिस पर कम्पैक्ट बोन प्रेजेंट है और जबकि एपिफाइसिस पर स्पंजी बोन प्रेजेंट है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे अगर बोन्स को माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो मजीद कुछ टाइप्स भी हैं जिनमें लैमेलर बोन आ जाती है। लैमेलर बोन कम्पैक्ट बोन में जो सिलेंडर्स प्रेजेंट होते हैं हेवेशियन सिस्टम उसको बोला जाता है, जबकि कैंसिलस या स्पंजी बोन में जो इरेगुलर मेशवर्क प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है। वोवन और फिब्रस बोन फीटल बोन्स हैं, जबकि डेंटाइन और सीमेंट अक्कर इन टीथ। वोवन बोन वो इररेगुलर बोन है जिसकी ग्रोथ ड्यूरिंग फ्रैक्चर या फिर कैंसर के दौरान होती है। ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा बोन्स बता रही हूँ, मैं आपको बीडी 84 बता रही हूँ, तो अगर आप इतना लेक्चर वाला ही प्रिपेयर कर लेते हैं सो डेट इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट, बोन्स की रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है जिसके अंदर हमारे पास एक्सियल बोन्स और अपेंडिकुलर बोन्स आ जाती हैं। एक्सियल बोन्स में हमारे पास हेड, नेक और ट्रंक का रीजन आता है, जबकि अपेंडिकुलर में हमारे पास लिम्स आ जाती हैं। अब इनकी नंबर्स आपने याद रखने हैं, और ये पता होना चाहिए कि टोटल बोन्स कितनी बनती हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर कितनी होती हैं, एंड देन फिर इन दोनों को ऐड करके टोटल कितना बनता है। अब अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो 206 बोन्स बनती है। ये आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है, तो वैसे ये एक अप्रोक्सीमेशन है। इसके अलावा कुछ एक्सेसरी बोन्स भी होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर रहे यहाँ। आगे बोन्स के डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन है। तो डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे मेम्ब्रेन बोन्स आ जाती है। मेम्ब्रेन बोन्स वो होती हैं जिनमें एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान पहले मेम्ब्रेन्स बनती हैं, देन मेम्ब्रेन्स पर ऑसिफिकेशन होती है और वो बोन्स की फॉर्म में डेवलप हो जाती हैं, जिसकी एग्जाम्पल में स्कल और फेशियल बोन्स आ जाती हैं। नेक्स्ट, कार्टिलेजिनस बोन्स में क्या होता है कि सबसे पहले कार्टिलेज बनेगा ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस और देन कार्टिलेज डेवलप कर जाएगा बोन्स में। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास वर्टेब्रा और रिब्स और लिम्स वगैरह आ जाती हैं। नेक्स्ट, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस में क्या होता है कि कुछ हिस्सा मेम्ब्रेन की फॉर्म में होता है और कुछ हिस्सा कार्टिलेज में। देन सेम वही इसमें ऑसिफिकेशन होगी, ये बोन्स की फॉर्म में डेवलप कर जाएगी, और इसके एग्जाम्पल में ऑक्सीपिटल टेम्पोरल और सफेनाइट बोन्स आ जाती हैं। बीडी 84 में कुछ मजीद दो बोन्स का जिक्र भी है जिसमें सोमेटिक और विजरल बोन्स आ जाती हैं। तो विजरल बोन्स में की एग्जाम्पल में हायोइड बोन और ईयर ऑसिकल्स आते हैं। हायोइड बोन नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। फ्रेंजियल आर्चेस एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है जिसमें डेवलपमेंट होती है और ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। रीजनल क्लासिफिकेशन हमने पहले डिस्कस कर ली है। आगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग बोन्स आ रही है जिसके पास सिलेंड्रिकल शाफ्ट प्रेजेंट होगी और दो एक्सपेंडेड एंड्स होंगे, यानी डायफाइसिस और एपिफाइसिस इसमें प्रेजेंट होंगे लाजमी। और इसमें भी मजीद हमारे पास टिपिकल लॉन्ग बोन्स आ जाती हैं।
दे पोजेस कंसिडरेबल लेंथ और इसकी एग्जाम्पल में ह्यूमरस और रेडियस अल्ना वगैरह आ जाती हैं। मिनिएचर लॉन्ग बोन्स में लेंथ शॉर्ट होगी लेकिन एपिफाइसिस और डायफाइसिस प्रेजेंट होंगे। तो लॉन्ग बोन्स के लिए क्या चीज़ नेसेसरी है? एपिफाइसिस और डायफाइसिस। मजीद एक टाइप है जिसका नाम है मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स। इनमें क्या होगा कि इनमें मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी। मेडुलरी कैविटी में क्या होता है, यानी बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो इसकी एग्जाम्पल में बस क्लेविकल आ जाती है। क्लेविकल आपकी शोल्डर बोन होती है। ये डायग्राम टिपिकल लॉन्ग बोन की है। इसमें आप देखें कि डायफाइसिस यानी शाफ्ट प्रेजेंट है और दो एक्सपेंडेड एंड्स हैं यानी एपिफाइसिस प्रेजेंट है। नेक्स्ट शॉर्ट बोन्स है। शॉर्ट बोन नाम से जाहिर है कि शॉर्ट होंगी और इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाती हैं कार्पल बोन्स यानी कि रिस्ट की बोन्स और एंकल बोन्स यानी टार्सल बोन्स। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन कर्व्ड होगी और थिन होगी और नाम से जाहिर है कि फ्लैट होगी और इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाती हैं स्टर्नम, रिब्स और स्कल में जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं वो भी फ्लैट होती हैं। और स्कल में ये फ्लैट बोन्स जो कि स्पंजी बोन्स हैं उन्हें हम डायपोल बोलते हैं, जबकि जो इसको सराउंड करी होगी कम्पैक्ट बोन उसको हम कहेंगे टेबल्स। नेक्स्ट इरेगुलर बोन्स आ जाती हैं, इरेगुलर इन शेप होंगी और इन्हीं इरेगुलर बोन्स में न्यूमेटिक बोन्स भी इंक्लूड होती हैं। न्यूमेटिक बोन्स वो बोन्स होती हैं जिनमें एयर फील्ड कैविटी यानी जिन्हें हम एयर साइनसिस बोलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और इसकी एग्जाम्पल मैगजिला और जाइगोमेटिक बोन्स आ जाती हैं। इसके अलावा ये बोन्स स्कल में भी प्रेजेंट होती हैं और स्कल में इसकी प्रेजेंस का फायदा ये होता है कि हमारी वॉइस में इसके थ्रू रेजोनेंस पैदा होती है। यहाँ ये मिनिएचर लॉन्ग बोन्स और शॉर्ट बोन्स की एग्जांपल्स दिखाई हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिस्टमाइड बोन। सिस्टमाइड बोन क्या होती है कि एक बोनी नड्यूल होती है जो कि एम्बेडेड होती है टेंडन्स और मसल में और इसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करती है लुब्रिकेशन में। ये पैटेला जो है यानी नी कैप एग्जांपल है सिस्टमाइड बोन की। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेसरी बोन्स हैं जिनमें सबसे पहले हमारे पास सुप्रान्यूमेरारी बोन्स हैं। सुप्रान्यूमेरारी बोन्स वो बोन्स हैं जो कि मिस्टेकली डेवलप हो जाती है बॉडी में। फॉर एग्जांपल ओस ट्राइगोनम जो कि टेलस के पोस्टीरियर सरफेस पर डेवलप होती है। नेक्स्ट हमारे वॉलनियन बोन है। सूचर जो हमारे स्कल की बोन्स को आपस में मिला रहे होते हैं तो उनके दरमियान अक्सर ये बोन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास इटोट्रॉपिक बोन आ जाती है। इटोट्रॉपिक बोन्स मसल्स और सॉफ्ट टिश्यू में डेवलप हो जाती है, जैसे कि अक्सर हॉर्स राइडर्स में अडैप्टर मसल्स यानी जो मसल्स थाई में मीडियली प्रेजेंट होते हैं वहाँ बार बार रगड़ की वजह से एक बोन डेवलप हो जाती है जिसे हम राइडर्स बोन बोलते हैं।